चलिए मैं तो बताती हूँ, बिना सपोर्ट के साड़ी में फॉल्स कैसे लगाएं, बिना कूट पेपर प्लेट रखे हुए कैसे लगाएं। तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहें कि हम कैसे लगाते हैं बिना कुछ सपोर्ट के। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब बताइएगा जरूर। तो स्वागत है आप सभी को मेरे इस वीडियो में, और सुबह सुबह का टाइम है। गुड मॉर्निंग आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को, और कैसे हैं आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। और मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आप लोग से बता दूँ मैं कि आ गई हूँ मैं अपने पार्लर में, दुकान पर, और मेरा स्टाफ लोग भी आ गया है, मेरा दुकान साफ़ सुथरा भी हो गया है, पूजा पाठ एकदम बिल्कुल रेडी। आगे के बाद आप लोग से मैं बता दूँ, नहीं ब्लॉग है नहीं पलक बात है। आज मैं लगा रही हूँ फल्स, तो आज मैं यही शेयर करूँगी आप लोगों से। तो ये देख सकते हैं कि क्या है, ये आप लोग देखिए, तिरंगा वाले साड़ी मैं मंगाई हूँ, क्योंकि ये पहन के मुझे फहराना है झंडा। मैं पहनूँगी 15 अगस्त, 15 अगस्त कब है, कल ही है। तो आज इसको लगाने जा रहे हैं हम फल्स। तो आप लोग से बताते हैं कि फल्स लगाने में कितने लोगों को काफ़ी टाइम लगता है, सही से लगता नहीं है। तो आज मैं बता रहा हूँ कि आप सिर्फ 10 मिनट टाइम देकर फल्स ही लगाओगी तो बहुत अच्छा लग जाएगा। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा कि कैसे, मैं आप लोग से बताती हूँ कि कैसे लगता है। बहुत लोग हैं कि मशीन चला लेते हैं नीचे साइड में, ऊपर साइड में अपना हेम कर लेते हैं, बट नहीं मैं मशीन चलाऊँगी, बस हमें को हेम ही करके बताना है आप लोगों से कैसे हम लगाते हैं। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, तो शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे पहले फल्स को आप अच्छे से धो दो, उसको साफ कर दो, जब ये धुला जाए सूख जाए तो उसको आयरन कर दीजिए, आयरन कर दीजिए अच्छे से, ताकि लगाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। जितने मुड़ा हुआ रहता है वे सब स्ट्रेट एकदम हो जाता है, क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरह से अगर फल्स को आप कर देते हो तो बहुत अच्छे से फल्स लग जाएगा। जैसे मैं सब चीज़ रेडी कर दी हूँ, धो दी हूँ फल्स को, ये देख लीजिए, और इसे मैं आयरन करके भी रख ली हूँ। ये सब रेडी करके मैं आप लोग से बता रही हूँ, आप लोग भी लगाइएगा ऐसा ही लगाइएगा। तो मैं अपना, चलिए तो शुरू करते हैं। अपना कलर मैच धागा ले लीजिए, और जिस फल्स जो लगाना है, तो मेरा ही तो ग्रीन है, आप देख ही सकते हैं। तो ग्रीन कलर का मैंने धागा ले ली हूँ, जो कि ये है, यही कलर का ये फल्स है, नीचे का साइड यही सारे तिरंगा सड़ी तो एक ही नीचे रहेगा ही। तो यही से हम लगाने जा रहे हैं, कैसे लगाते हैं आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले धागा लगाऊंगी मैं, और सबसे पहले धागा लगाने में नीचे का हेम करेंगे। धागा अपने हिसाब से लंबाई छोटाई देखकर अपने लगाना है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं लगाई हूँ, बस मीडियम साइज में ही लगाई हूँ। इस तरह से लगाकर अब हमें लगाना है फल्स। तो सबसे पहले इसको इतना कितना छोड़ना है इसमें अपना, ये देखिए इतना हम छोड़े हुए हैं, इसको पीको भी करना है, इतना चला जाएगा पीको में, ज़्यादा काफ़ी छोड़ना नहीं चाहिए, इतना मेरा चल जाएगा पीको में, इतना ही बचेगा, तो इतना ठीक है, ऊपर है, आप लोग अपने हिसाब से देख कर लगाइएगा। अब इसके आगे यहाँ से हम शुरू करेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा जो बचा है ना, इसको हमें कैसे दबाना है, इसे पैर में हमें दबा लेना है। ऐसे अगर दबा कर आप लगाओगे फटाफट, जैसे हम लगा कर आप, और इस फल्स में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बिना कुछ हेल्प लिए हम ये फल्स लगाएंगे, जो आप लोग देख सकते हैं और आप लोग के सामने ही लगाएंगे, बिना कुछ हेल्प लिए, सिर्फ अपने हाथ का हेल्प से ही लगाएंगे। इसको बस दबाए रखिए टाइट, ये रहेगा आप बिल्कुल एकदम दिक्कत नहीं होगा आपको, एकदम लगाते चलिए, घिसते चलिए, और थोड़ा थोड़ा आप दबाते चलिए उसको, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो हमने यहाँ तक आ गई, अब थोड़ी सी ही आप लोगों को एक साइड का लग गया, एक साइड का मेरा फल लग गया, टाइम देखते रहिएगा आप लोग, एक साइड का मेरा फल्स कंप्लीट है। अब दूसरे साइड के मैं लगा रही हूँ, दूसरे साइड को नाइलेट रखूँगी, बस मैं ऐसा ही लगाऊंगी, देखिए कैसे लगाती हूँ। बहुत सारे लोग तो देखते होंगे, प्लेट रखता है लोग, पेपर रखता है लोग, कूट रखता है लोग, जो भी रख के लगाता है लोग,
बट मैं आप लोग सच बता दूं कि मैं ऐसा ही लगाऊंगी ऐसे करके, ऐसा ही फल्स बिना कूट रखे हुए हम फल्स लगाना। कैसे लगा रही है आप लोग देखिए, सबसे पहले इसको ऐसे नीचे झाड़ देना है, नीचे की तरफ गिरा देना है कि ये जहाँ भी फंसा हो नीचे आ जाए। उसके बाद में अपने ये हाथ जो है नीचे से लगा दीजिए, हाथ लगा दीजिएगा खुद ही टाइट, ये एकदम टाइट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। कुछ नहीं रखे हैं, ऐसे ही लगा रहे हैं आप लोगों को सामने, आप लोगों के सामने। ये नहीं है कि लगाकर मैं दिखा रही हूँ, से नहीं है ये बात नहीं है, एकदम लगाते सामने ही आप लोगों से दिखा रहे। देखिए इतना इतना लग चुका है, अभी लगा है ना, इतना लग गया तो काफ। और आप लोग देखिए कि मैं कितना जल्दी लगाती हूँ, आप लोग देखिएगा, आप लोगों के सामने अभी लगा रहे हैं। देखिए कितना छोटा ये रहे, बट हमें लगाने में भी टाइम नहीं लगता है। अब लंबा नहीं लगाएंगे ज्यादा, क्योंकि कम ही है, थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, इसलिए ज्यादा लंबा ये नहीं लगाऊंगी। कुछ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं कुछ नहीं है, ऐसे लगा रहे हैं बिना कुछ सपोर्ट लिए, बस अपने हाथ से हाथ का सपोर्ट ले रहे हैं। हाथ का सपोर्ट आप प्लेट लगाओगे तभी लोगे, कूट लगाओगे तभी लोगे, तो हाथ का सपोर्ट तो हर काम में ही चाहिए, बस हाथ का ही सपोर्ट मैं ले रही हूँ। तो फाइनल होने वाला है, जो जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि मेरा ये नुस्खा कैसा लगा आप लोगों को। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छे लग जाएगा और टाइम भी नहीं लगेगा। लाइक कर दीजिए, जो भी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देना, जहाँ से भी जो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फाइनल है, लग गया है, आप देख ही सकते हैं, कहीं पर भी थोड़ा सा भी फोल्ड नहीं हुआ है, कहीं पर भी देख लो प्रोसेस के चलिए, कहीं पर भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों दोनों साइड से मैं दिखा दूंगी, इधर से भी और उल्टी के साइड से, उल्टी साइड ये है देखिए, उल्टी है ये एकदम, बहुत अच्छे से लग गया और टाइम भी नहीं लगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। आप जरूर ट्राई करिए, तब तक के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।